उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और उम्मीद करते हैं आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। हाँ भाई, कैसी गई दिवाली कुछ बताएं हमें कमेंट करके, कैसे सेलिब्रेट की, कितने पटाखे फोड़े, कैसी पूजा की, सब बताइए हमें। सब कम फोड़े होंगे पटाखे भाई, अलाउड ही नहीं थे तो। हाँ भाई, हमने तो नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो आदेश को इन लोगों ने पालन किया है, लेकिन मैंने पटाखे को देखा तभी। सीरियसली मैंने भी नहीं देखे, मैं सो गई थी घर जाके। हम लोग सखी होते हैं ना, बहुत ज्यादा। हमने तो देखे नहीं दिवाली कैसे गई, पता ही नहीं चला। हाँ, तो हम आज करेंगे कुछ ऐसी वीडियो पे रिएक्शंस, क्योंकि काफी सारे कमेंट कब से ही आ रहे थे उस वीडियो के लिए, आप लोग भी बता सकते हो। तो टाइटल क्या है, हम पहले बता दें किसकी वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। कैरी मिनाटी की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। कैरी मिनाटी के कमेंट्स इतने सारे थे ना, सीरियसली। तो हमने उसी को किया है कि हम इस पे करेंगे रिएक्शन। हाँ, लेटेस्ट वीडियो है। नाम है बिग बॉस। बिग बॉस और बिग बॉस पार्ट वन। यस, पार्ट वन। तो ठीक है, बिग बॉस भी ट्रेंडिंग में चल रहा है और कैरी मिनाटी तो आफ्टर ऑल चल ही रहा है। सो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। नहीं, जब टाइटल की बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस है तो पेटीएम का सीईओ तो नहीं नाच रहा होगा ना। अब जो लोग बिग बॉस चाहते हैं, मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? पूरे देश के सामने तुम गधे घोषित कर दिए जाओगे। कोई भी बिग बॉस देखते वक्त ये नहीं सोचता, वाह क्या खेल रही है ये लड़की, वाह ये लड़का पक्का मंत्री बनेगा, व्हाट पॉलिटिक्स यार, व्हाट पॉलिटिक्स। सब ये सोचते हैं, ये बावड़ा है, ये बावड़ी पूछ है, ये बावड़ी कान है, और ये कौन है, ये कहां से है? अब जो लोग इस धरती से वास्ता नहीं रखते, मैं तुम्हें बता दूं, बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है और इस पर होने जा रहा है WWE हैंडीकैप मैच, सिंगल वर्सेस जोड़ी। सिंगल में आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज जिन्हें एक दो चौधरियों को छोड़कर कोई नहीं जानता, और जोड़ी में आते हैं कॉमनर्स, आम आदमी। तो आओ यार, एक एक करके देखते हैं कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, एक दो तीन और बस। ये हमारे पहले अननोन सेलिब्रिटी करणवीर बोरा। सरनेम ऐसा है बोरा, बोर नहीं करूंगा ये पक्का मेरा। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें बता दूं कि कथक एक्सपर्ट भी हैं, और जब सलमान भाई को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला 21 चक्कर लगाओ तुम्हें टिप मिलेगी। काफी टिप ये है कि कोई टिप नहीं। अब बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई नंगू पंगू जरूर घूमता है, और इस बार ये अपने सेलिब्रिटी चिटीज दिखाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं जोड़ी की तरफ। दिखने में है ये बड़े सिंपल। हाँ। आ रहे हैं रोमिल और निर्मल। ये वकील है और ये हवलदार। पहले ये अपने बक्कल के साथ हुड़ हुड़ दबन करते चीट सलमान भाई, उसके बाद बिग बॉस ने इन दोनों के साथ बहुत बुरी की है। वकील को दोनों गालों पे चकाचक पंखे की रफ्तार से थप्पड़ मारे गए। लेकिन ये तो अलग ही चुगम पट्टी मचा रहा है, लोगों के हाथ से फूल चुराकर पूरे घर में भगता फिर रहा है, और फिर अपने आप को संडास में बंद कर लिया कि भैया चाहे बबीता की शादी हो जाए या सविता की भाभी, फूल पर नहीं दूंगा। इसीलिए बिग बॉस ने इन्हें काल कोठरी में डाल दिया। बताओ, एक हवलदार काल कोठरी में पड़ा है। गुड जॉब बिग बॉस। अब चलते हैं वापस हमारे सेलिब्रिटीज पर। Oh my God, let me feel it.
चंद की क्रिकेटर, इनका ना कुछ भरोसा नहीं है। जब बोला गया डॉक्टर्स के कहने पर श्री शांत इस कार्य का हिस्सा नहीं होंगे। अजी लौला पूरी भैंस करने के बाद ये कहते हैं नहीं, मुझे एलिमिनेशन में डाल दो, मैं नहीं करूंगा। मेरा मेडिकल कंडीशन है, जितना था खेल सकते हो उतना ही ले सकता हूँ। अबे और कितना ले जाएगा, वैसे तो छाती पे तो बोतलें फोड़ रखी हैं। फिर मेडिकल कंडीशन हो रही है, मेरा मेडिकल कंडीशन है। और इससे हर दूसरे दिन बकचोदी के द्वारे आते हैं जो कहते हैं मुझे घर जाना है। श्री मत कर, इधर से बोल कर, यही चाहते हैं ना आप लोग? अरे कौन है भाई? अरे ये कौन पहनो लड़ रहा था जा खटखटाने? सारे मारा गए, हम बिग बॉस के गार्ड्स हैं। अब चलते हैं बिग बॉस के घर की मर्दाना औरत पर। जब ये बोलती है ऐसा लगता है 40 साल का आदमी गुस्सा कर रहा है कि उसकी महंगी वाली दारू। इस वक्त तुम इससे कोई भी सवाल पूछते ना ये नो ही बोलेगी। हाँ। दुनिया गोल है no. क्या सलमान भाई कभी शादी करेंगे no. क्या कभी अच्छे दिन आएंगे no. मेरी अपनी मेरी मदरस मेरी क्लास ये इनको क्या बोल रहे हो, ये तो खुद पिछले क्लास पैसों के लिए ऐसे बकचोदी नहीं कर सकता मैं। इससे बढ़िया एमपीएल ऐप पे जाके गेम्स खेल लेता हूँ, पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी बची रहेगी। और अगर ज्यादा फन करने का मन करेगा तो टूर्नामेंट खेल लूंगा। वैसे देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब चलते हैं बिग बॉस के घर के सबसे मौजी लौंडे की तरफ, अनु चलोटा। भजन गाए पेशे से ये भजन सिंगर है, लेकिन लौंडा प्लेयर है यार। 65 साल के हो रखे है फिर भी 28 साल की गर्लफ्रेंड लौंडिया पटा रखी है। ऐसी रहेगा ये भी रहेगा, इसे कहते हैं प्लेयर। और बिग बॉस भी पूरे मजे दिलाते हैं लौंडे को। इस मुकाबले का नाम है राजकुमार अनूप की दुविधा। दोनों विरोधी इस मुकाबले के दौरान राजकुमार अनूप का दिल जीतकर उन्हें पसंद और प्रभावित करने की कोशिश करते रहेंगे। आओ देखो लड़कियां क्या क्या करती हैं इन्हें खुश करने के लिए। हमारे राजा भाई इतने क्यूट है ना, करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिल जीत रहे हैं। राजा जी मैं सोच रही हूँ आपसे सलाह मशवरा करना था कि अगर इनसे स्विमिंग करवाते हैं। स्विमिंग अगर करनी है जी तो लहंगे चोली में थोड़ी कोई करता। हाँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। ये दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पित्तल की, बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। सही बताऊं पाया मुझे इससे जलन हो रही है। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है। और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलके इस व्यक्ति को रोटी सल्यूट दें। प्लेयर अब चलते हैं एक ऐसे योद्धा पे जिसका नाम ही गजब है, क्योंकि ये सलमान भाई से ज्यादा अच्छा गाता है। बिग बॉस ने इसे पिंजरे में डाल दिया। कैद में बुलबुल, कैद में क्यों बन गया आप दोनों को? कांड कर गया है सर आते ही। इससे पता चलता है बिग बॉस में असली टैलेंट की कोई जगह नहीं है। तुम्हें बस बकचोदी करनी आनी चाहिए। yes. टेंशन मत लो, 2-4 साल बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा। ये चिल्लाता हुआ बिग बॉस राखी ने मेरा मेकअप ले लिया। बिग बॉस मंजूर हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। बिग बॉस मुझे इस घर में नहीं रहना। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस।
अब और भी लोग हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन वो इतने बोर हैं कि जब उनमें से एक से पूछा गया, भैया आप सृष्टि हैं जी? हाँ। तो अरविना, इनकी कोई खास बात है? सर काफी सारी खास वियर्ड बातें हैं। हाँ। कुछ एक रिवील करूंगी। एक्चुअली स्लीपवॉक्स मुझे नहीं पता था नींद में चलना एक स्पेशल चीज है। क्या सोच के आते हैं ये लोग? हमारे पास नींद में चलने का टैलेंट है, दिन में तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, रात में फुटेज खाएंगे। अभी भी एक कंटेस्टेंट बचा जो हर वीकेंड आता है, हमारे अपने सलमान भाई। अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वह मुझे बुझा देंगे, तो इसलिए मुझे एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके। लेट्स गो। हाँ। मेरी बॉडी है मिसाइल, नज़र देखे करती स्टाइल, मेरे स्वैग में है स्टाइल, मेरी बॉडी में मोबाइल। I'm the boss, big boss, I'm the boss, big boss. चलाता हूँ, करियर बनाता हूँ, फिल्में दबाता हूँ, कर लेना चाहता हूँ, बच्चों दे जाता हूँ, बच्चों को बाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, लड़के पढ़ाता हूँ, रेस में जाता हूँ। बाजारों को जान दिया, सबने ही हक दिया, रेमो को जान दिया, उसने भी हक दिया। कहते तूने क्या किया? हमने रोया किया। कहते तूने क्या किया? मैं हूँ तेरा हीरो, मुझे बोले सारे जीरो, इस इंडस्ट्री का मैं हीरो, कट पे बोले मुझे शीरो, पापा बोले दो गुट्टी लो, पापा बोले दो गुट्टी लो। मुझे भूल गए लोग, मुझे भूल गए, शक्ल देखे मुंह में, काम करके टूट गए, कहने तक फूट गए, लेकिन एक भूल गए, लेकिन एक भूल गए। हम एक दिन में छूट गए, सारे घर लूट गए, चैरिटी में डूब गए, सारे घर लूट गए, चैरिटी में डूब गए, पूरा जगह भूल गए, प्रजा को भूल गए, हम एक दिन में छूट गए, एक दिन में छूट गए। छोटे घोटे की शादी है, बाय मोहित। एक तो साले दिवाली के दिन कौन शादी करता है, पागल हो गया तेरा खानदान। सो देखा आपने बिग बॉस की अच्छे से ले ली कैरिन नदी ने। बुरी वाली झंड कर झंड कर झंड कर दी सारे कंटेस्टेंट्स आए। सीरियसली सुरभि का तो यार बहुत यार। इस टाइम पे तो ये नो ही बोलेगी। लेकिन सलमान खान के लिए गाना मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ी ज्यादा ही उन्होंने कर दी उनकी तारीफें, फुल बांधी है। क्योंकि यार गलतियां सब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, सलमान खान भी तो ऐसे ही है। हमने भी किए हैं बहुत सारी गलतियां। दिवाली गई है, दिवाली के बाद हम लोगों ने अब जाकर रिएक्शंस दिया। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, हमने सैटरडे भी नहीं किया, आई मीन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमने काफी कमेंट्स पढ़े आपके, इसलिए फिर हमने आज रिएक्शन किया। हाँ, तो आज हमें आना पड़ा आप लोगों के लिए ऑफिस, और हमारा ऑफ था सैटरडे संडे, हमने मंडे से ज्वाइनिंग करना था, लेकिन हम आ गए आपके लिए क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे थे यार। हाँ, इससे और फिर हम भी बोर हो रहे थे घर। हाँ।
तो इसलिए फिर कुछ चाहते हैं आपसे भी, इसीलिए हमने भी एक्शन किया है। क्या चाहते हैं काजल बहनी? भाई अपनी बता दीजिए कौन सी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए नेक्स्ट, वो बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। yes, और अपनी कमेंट्स ऐसे ही धड़ाधड़ करते रहिए, हम चाहते हैं आप इतने नहीं इतने 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 करते रहे कमेंट्स। ठीक है, चलते हैं सोशल मीडिया पे, हमें अपडेट करिए। आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ट्विटर का लिंक नीचे दिया हुआ है। सो देखते रहिए मस्ती मैजिक, मस्त रहिए। बाय बाय।